देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। केंद्रीय मंत्री ने कहा 140 करोड़ देश की आबादी से किसी का कोई मुकाबला नहीं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी आज जिला अस्पताल पहुंचे, जहां पर उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और उन्होंने कोरोना संक्रमित मरीजों से भी अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में पूछा। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के साथ राज्य मंत्री बलदेव सिंह ओलक भी साथ थे। दोनों ने ही अस्पताल के कई वार्डो में जाकर मरीजों से उनके तीमानदारों से पूछताछ की। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी सहित स्वास्थ्य विभाग के तमाम आला अधिकारी मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, हमारा देश 140 करोड़ की आबादी का देश है। हम ये चाहते हैं कि 140 करोड़ लोगों को सभी को वैक्सीन लगे, इसी दिशा में साकार काम कर रही है और जिन देशों से हमारे देश का मुकाबला किया जा रहा है वह देश कोई 5 करोड़, कोई 6 करोड़, कोई 10 करोड़, कोई 20 करोड़ की आबादी के देश है, उनमें हमारा कोई मुकाबला नहीं है। जनपद रामपुर के जिला अस्पताल में आज केंद्रीय मंत्री अल्पसंख्यक मुख्तार अब्बास नकवी और जल संचय राज्य मंत्री बलदेव सिंह ओलक अपने पूरे लाभ लश्कर के साथ पहुंचे। हालांकि मौसम खराब था, बारिश जबरदस्त हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों मंत्री जिला अस्पताल पहुंचे और उन्होंने वहां पर कोरोना संक्रमित मरीजों से बात की और अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में पूछा। इसके अलावा और कई वार्डों में जाकर उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बहरहाल केंद्रीय मंत्री जो जिला अस्पताल की ज्यादातर व्यवस्था सही मिली। समाज भी सरकार भी पूरे संकल्प के साथ संवेदनशीलता के साथ काम कर रहा है। हमारा देश 140 करोड़ की आबादी वाला देश है और देश के हर हिस्से में ये जो कोविड महामारी है उससे जो प्रताड़ित और पीड़ित लोग हैं उनको सेहत अता हो, उनकी सेहत और सलामती के संकल्प के साथ सरकार प्रशासन सही काम कर रहा है। रामपुर के में जिला अस्पताल में चाहे ऑक्सीजन की सुविधा हो, वेंटिलेटर की सुविधा हो, कोविड पेशेंट के सेहत और सलामती की सुविधा हो, बेहतर तरीके से काम हो रहा है और ये एक बहुत ही संकट का समय है। संवेदनशील तरीके से सभी को लोगों की सेहत सलामती के लिए काम करना चाहिए। ये वक्त ऐसा है कि जब भय और भ्रम नहीं बल्कि लोगों में भरोसा पैदा करने की ज़रूरत है और इस दिशा में सभी लोग काम कर रहे हैं। नकवी जी, तीसरी लहर को रोकने के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि अचानक से दूसरी लहर आ गई और अब तीसरी के लिए? देखिए, मेरा एक आपको कहना है कि आज जो है जो दूसरी लहर है वो एक तरह से जिस तरह से हमारे मेडिकल स्टाफ ने सरकार ने समाज ने मजबूती के साथ काम किया है वो काफ़ी हद तक कमज़ोर हुई है और लोगों को जो है वो सुविधाएं, संसाधन भरपूर यहाँ उपलब्ध हो रहे हैं, मुहैया हो रहे हैं। ऑक्सीजन की एक शुरुआती दौर से जो दिक्कतें थी वो उसका जो है वो समाधान हुआ है। वेंटिलेटर्स की समस्याएं थी उसका समाधान हुआ है। जब हमारे देश में ये कोरोना का शुरुआती दौर में पहली लहर आई थी उस समय हमारे पास कुछ नहीं था। हम अगर वेंटिलेटर भी थे तो हम जो है वो विदेशों से लेते थे। वैक्सीन हमारे पास बिल्कुल नहीं थी। वैक्सीन हमने दो मेड इन इंडिया वैक्सीन बनाई जिसका नतीजा है कि आज करोड़ों लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और लगातार हर दिन वैक्सीनेशन हो रहा है और करोड़ों लोगों को का वैक्सीनेशन हो रहा है। उसके साथ ही साथ जो है वो ऑक्सीजन की आपने जैसा कहा ऑक्सीजन की जो समस्या थी उसका समाधान हुआ है। वैक्सीनेशन के दृष्टि से शुरुआती दौर में जो एज बार रखा गया उसके बाद अब जो है वो नीचे 18 प्लस की भी वैक्सीनेशन बहुत बड़ी तादाद में हो रहा है और मुझे लगता है कि बहुत जल्द ही जब हम 140 करोड़ के देश की बात करते हैं तो 140 करोड़ के देश में जल्द से जल्द वैक्सीनेशन लगभग सभी को हो जाए, इस दिशा में काम हो रहा है और हमारे देश को किसी और देश से मुकाबला किया नहीं जा सकता। हमारा देश 140 करोड़ का देश है। जिन देशों का मुकाबला किया जा रहा है कोई 5 करोड़ का, कोई 6 करोड़ का, कोई 20 करोड़ का, कोई 25 करोड़ का देश है। अगर कोई ये सोचता है कि वो 25 करोड़ से और 140-150 करोड़ का मुकाबला होगा तो नहीं, लेकिन यहाँ पर सभी लोग बहुत हमारे प्रशासनिक अधिकारी, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, हमारा मेडिकल स्टाफ, हमारी सारी व्यवस्थाएँ
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, केंद्र की मोदी सरकार, सभी लोग लगे हुए हैं और मुझे लगता है कि ये जो समस्या है, इस समस्या से जल्द देश उभरेगा और सामान्य। नवीन जी, कोई अपील करना चाहेंगे लोगों को? पुलिस अपना काम कर रही है, लोगों को समझा रही है, चालान भी कर रही है, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी दुश्मन बने हैं। देखिए, हमें पैनिक नहीं करना चाहिए, प्रिकॉशन और प्रिवेंशन ज़रूरी है। हमें किसी भी तरह से भय की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सावधानी और संयम बहुत ज़रूरी है, और यही सावधानी और संयम इस कोरोना के कहर को, इस आपदा को परास्त करेगा, और हम इसी संयम और सावधानी से परास्त कर भी रहे हैं। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें तेजस 24 न्यूज़।